तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये अंतिम मौका है आपके लिए। अंतिम तीन दिन यहाँ पर हैं, 25 तारीख तक का ये ऑफ़र है। अगर आपने अब तक हमारा कोर्स बाई नहीं किया है तो आप देखिए कि एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो 100 वीडियोज़ आपको 499 में उपलब्ध थे, वो 25 तारीख तक अगर आप बाई करते हैं तो आपको 399 में प्राप्त होंगे। अगर एसएससी 50 वीडियोज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 299 उसका प्राइस रखा गया है, बैंक का प्राइस 449। और कॉम्बो एसएससी और बैंक दोनों का प्रिपरेशन आप करते हैं तो फिर आप प्राप्त कर सकते हैं 699 में। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑफ़र केवल 25th ऑफ मई तक ही अवेलेबल है। इसके बाद इस सीज़न का कोई डिस्काउंट ऑफ़र रिलीज नहीं होगा। फिर आपके एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं, तो ये अंतिम मौका है, इसे भुना लेना चाहिए और आपको आज और अभी कोर्स खरीद लेना चाहिए। इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप में ही ये सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे। और साथ ही बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इनकी वैलिडिटी क्या है, तो इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है, आप जब चाहें तभी इन वीडियोज़ को देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 23 मई के एडिटोरियल सेशन की। इसकी वर्ड लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट, इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस सेशन को अधिक से अधिक आप लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसी आशा के साथ मैं ये सेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्क्लोजिंग डिसेंट, देखिए डिस्क्लोज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपने सामने ला कर रख दी है, कोई भी चीज़ को रिवील कर दिया है। डिसेंट का मतलब असहमति है, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हो, लोगों की राय में अगर अंतर है, डिसएग्रीमेंट है, तो उसे कहते हैं डिसेंट। तो जो भी डिसेंट है उसको डिस्क्लोज करने की बात यहाँ पर की गई है। पीपल आर एंटाइटल्ड टू नो वेदर और नॉट द पोल पैनल्स की डिसीजंस आर यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब सर्वसम्मत होता है। तो पीपल आर एंटाइटल्ड टू नो, एंटाइटल्ड में टू लगता है, एक तो प्रपोजिशन याद रखिएगा। दूसरी बात, इसका मतलब होता है कानूनी हक होना। लीगल रूप से कोई व्यक्ति अगर ऑथोराइज्ड है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए आप एंटाइटल्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है पीपल आर एंटाइटल्ड टू नो कि लोगों को ये हक है जानने का वेदर और नॉट द पोल पैनल्स की डिसीजंस, कि जो पोल पैनल है, चुनाव आयोग है, उसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं। की डिसीजंस का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय, यहाँ पर की है, एडजेक्टिव है, वो यूनैनिमस हैं या नहीं है। यूनैनिमस का मतलब उनमें जितने भी मेंबर शामिल है चुनाव आयोग में, उन सभी के डिसीजंस मैच करते हैं कि नहीं, सभी की राय एक है या नहीं है। वेदर के साथ याद रखिएगा और का प्रयोग करते हैं, और वेदर जनरली उसी कंडीशन में हम लगाते हैं जब आपको दो विकल्प हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, इस कारण से और लगाना पड़ता है। ये था आपका सब हेडलाइन में लिखी हुई चीज़ें। अब आगे बात करते हैं, द रिजेक्टिंग ऑफ द डिमांड ऑफ वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स दैट डिसेंटिंग ओपिनियंस बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर्स पास्ड बाई द 3-member इलेक्शन कमीशन ऑन कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बी टेक्निकली एंड लीगली राइट। द रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स दैट, क्या कहना चाह रहा है, द रिजेक्शन ऑफ द डिमांड, उस डिमांड का रिजेक्शन, जो एक डिमांड रखी गई थी, एक मांग रखी गई थी, उसको रिजेक्ट करने का प्रोसेस, किस डिमांड को रिजेक्ट करना है, और वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स के जो चुनाव आयुक्त हैं उनमें से एक, जो चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनमें से एक की डिमांड का जो रिजेक्शन है। अब डिमांड क्या थी, दैट डिसेंटिंग ओपिनियंस बी रिकॉर्डेड, कि जो भी असहमतिपूर्ण राय हैं, जो भी कहें कि विचारों में भिन्नता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, बी रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया जाए इन द ऑर्डर्स, उन आदेशों के तहत जो आदेश पारित किए गए थे, पास किए गए थे 3-member इलेक्शन कमीशन के द्वारा, 3 सदस्य का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा, ऑन कंप्लेंट्स और वायलेशंस, जब भी कोई शिकायत मिलती है, शिकायत किसकी, वायलेशन की, वायलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, नियमों का पालना ना करना, नियमों को तोड़ने की शिकायतें मिलती हैं, ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता के बारे में, मे बी टेक्निकली एंड लीगली राइट। तो ये रिजेक्शन जो है वो टेक्निकली और लीगली राइट हो सकता है, तकनीकी रूप से सही हो सकता है या कानूनी रूप से सही हो सकता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखिए समझ में आएगा। द रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनमें से एक की जो डिमांड है कि रिजेक्ट कर दिया जाए, वो डिसेंटिंग ओपिनियंस को, रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स इसलिए लग रहा है कि वन ऑफ द के साथ में आने वाली नाउन है वो प्लूरल होती है, तो इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक के डिमांड का जो रिजेक्शन है कि दैट डिसेंटिंग ओपिनियंस बी रिकॉर्डेड,
कि जो असहमतिपूर्ण राय हैं, जो डिफरेंसेस ओपिनियन हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाए उन आदेशों के तहत जो आदेश पारित किया गया है 3 सदस्य का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा ऑन कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कि जब कभी शिकायत मिलती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो उसकी शिकायतें जो मिलती है उसका रिजेक्शन की जो बात है, ये रिजेक्शन जो है वो मे बी टेक्निकली एंड लीगली राइट, ये तकनीकी रूप से और लीगल तरीके से सही है। हाउएवर, फिर भी अब देखिए आगे हाउएवर लगा दिया है, इसका मतलब आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो हमने पहले बात करी है उसका बिल्कुल विपरीत आएगा, विरोधाभासी आएगा। हाउएवर देयर वॉज इंडीड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर एक्सीडिंग टू द डिमांड ऑफ अशोक लवासा। एक्सीड टू का मतलब होता है स्वीकार करना, इसमें टू लगता है, प्रेपोजिशन याद रखना है। देयर वॉज इंडीड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर एक्सीडिंग टू द डिमांड ऑफ अशोक लवासा, अशोक लवासा की डिमांड को स्वीकार करने का एक स्ट्रॉन्ग केस भी था। तो कहना चाह रहा है हाउएवर फिर भी यहाँ पे एक डिमांड रखी थी अशोक लवासा ने और उसको स्वीकार करने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग केस सामने आया, वहाँ तो रिजेक्शन की बात थी और यहाँ स्वीकारने की बात है, इसलिए हाउएवर का प्रयोग किया था। एटलीस्ट इन रिगार्ड टू कंप्लेंट्स, कि कम से कम उन शिकायतों के संदर्भ में जो शिकायतें हाई फंक्शनरीज के खिलाफ की जाएं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उच्च पायदान पर आसीन लोग हैं, उनके खिलाफ शिकायतें मिलती हैं, कम से कम उनको तो रिकॉर्ड किया जाए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए। द ईसी हैज़ बीन राइटली वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग ए सीरीज ऑफ क्लीन चिट्स टू पीएम। इलेक्शन कमीशन जो है हैज़ बीन, अब देखिए हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं जनरली, मतलब हैज़ बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म की बात ना करके हम सीधा बताएं कि ऐसा कुछ भी लगाते हैं इसका मतलब ऐसा हुआ है, इस प्रकार का आपको मीनिंग मिलता है। अब यहाँ वाइडली जो है वो एज एडवर्ब है, क्रिटिसाइज यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और राइटली यहाँ पे एडवर्ब है। एक एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, मतलब एक एडवर्ब से पहले दूसरा एडवर्ब आ सकता है। तो कहना क्या चाह रहा है, वैसे क्रिटिसाइज यहाँ पे नाउन है लेकिन ईडी फॉर्म को आप एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। द ईसी हैज़ बीन राइटली वाइडली क्रिटिसाइज्ड, चुनाव आयोग की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है किस चीज़ के संदर्भ में, फॉर गिविंग अ सीरीज ऑफ क्लीन चिट्स, क्योंकि चुनाव आयोग ने किस लिए आलोचना हुई है तो फोर लगा दिया है इसके लिए हुई है और प्रेपोजिशन लग गया है इसलिए आईएनजी लग गया है, गिविंग इसलिए हुई है क्योंकि चुनाव आयोग ने प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट्स दी हैं, एक सीरीज ऑफ क्लीन चिट्स दी हैं, बार बार में क्लीन चिट देता रहा है, कोई भी आरोप लगा इसने क्लीन चिट दी कि नहीं इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। डिस्पाइट सम क्वेश्चनेबल रिमार्क्स, और कुछ क्वेश्चनेबल रिमार्क्स के बावजूद, रिमार्क्स का मतलब टिप्पणियाँ होती हैं, ठीक है ना, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता, तो कुछ क्वेश्चनेबल रिमार्क्स थे उसके बावजूद, वो रिमार्क्स दैट अपीयर टू सॉलिसिट वोट्स, वो रिमार्क्स जिसमें जो लगे प्रतीत हुए थे कि वो वोट्स मांगने का काम किया गया थे, मतलब कुछ टिप्पणियाँ की गई थी, कुछ आरोप लगे थे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थे देश के, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, आज तो रिजल्ट आएगा, आज पता लग गया कौन प्रधानमंत्री बनता है, तो यहाँ पर दैट अपीयर टू सॉलिसिट वोट्स, सॉलिसिट का मतलब क्या है, सॉलिसिट का मतलब है मांगना, डिमांड करना, आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन, या आप इंग्लिश में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जो वोट्स मांगने के संदर्भ में, और वोट मांगे थे आर्म्ड फोर्सेस के नाम पर, सशस्त्र सेना है उसके नाम पर, कि हमने सेना के द्वारा ऐसा करवाया बालाकोट स्ट्राइक करवाई, इसके नाम पर लोगों को भावुक कर वोट मांगने की जो बात थी उनको लेकर, ठीक है। एडेड टू द वाइड स्प्रेड अनईज वॉज द अनएक्सप्लेन्ड डिले सेवरल वीक्स इन डिस्पोजिंग ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिस्टर मोदी। एडेड टू द वाइड स्प्रेड अनईज, अब इसमें ही एक और चीज़ जोड़ दीजिए, एडेड टू है, एड में टू लगाया है क्योंकि जोड़ना है कुछ ना कुछ। एडेड टू द वाइड स्प्रेड अनईज, ये जो बहुत ज़्यादा व्यापक बेचैनी थी, वाइड स्प्रेड का मतलब है बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ, अनईज का मतलब बेचैनी, और इस बेचैनी में एक और चीज़ जुड़ी हुई थी, वॉज द अनएक्सप्लेन्ड डिले ऑफ सेवरल वीक्स, वो ये कि चुनाव आयोग के द्वारा सेवरल वीक्स का डिले कर दिया गया जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई, बहुत ज़्यादा मतलब डिले किया, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहें कि लंबित कर दिया मामले को, इन डिस्पोजिंग ऑफ कंप्लेंट्स, डिस्पोज ऑफ का मतलब गेट रिड ऑफ होता है, वैसे छुटकारा पाने को बोलते हैं, ठीक है ना, कि जो शिकायतें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ की गई थी उन शिकायतों का कहें कि उन शिकायतों को निपटाना, यहाँ पर इसका मतलब निपटाना मान लीजिए कि उन शिकायतों के संदर्भ में आपने जांच कर ली है, उनको निपटा दिया है, इन चीज़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड डिले किया गया, ये भी एक वो चीज़ है जो बेचैनी को बढ़ा रहा है। इसके बाद में इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट मिस्टर लवासाज डिसेंडिंग ओपिनियन मे हैव बीन रेलेवेंट एनफ टू मैरिट इंक्लूजन इन द ईसीज ऑर्डर्स। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ होता है, दैट मिस्टर लवासाज डिसेंटिंग ओपिनियन,
अशोक लवासा की बात है, उनके जो असहमतिपूर्ण या उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था मे हैव बीन रेलेवेंट, वो यहाँ पे प्रासंगिक हो सकता है, एनफ टू मेरिट इंक्लूजन इन द ईसीज ऑर्डर. रेलेवेंट एनफ, रेलेवेंट एनफ, रेलेवेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जब एनफ के साथ लगता है तो एनफ से पहले प्रयुक्त होता है. टू मेरिट इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या है, समावेशन होना. तो ये कहना चाह रहा है इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट कि इस संदर्भ में जो ये ऊपर हमने चर्चा की है, इस उदाहरण के संदर्भ में मिस्टर लवासा का जो डिसेंटिंग ओपिनियन है, मिस्टर लवासा डिसेंटिंग ओपिनियन मे हैव बीन रेलेवेंट एनफ, वो एक मतलब कहें कि वो रेलेवेंट प्रतीत होता है कि उसको ईसी के ऑर्डर में समावेशित किया जाए. रेलेवेंट एनफ टू मेरिट इंक्लूजन इन द ईसीज ऑर्डर्स के चुनावी आयोग, चुनाव आयोग के आदेशों में ये चीज़ शामिल की जाए कि भाई हाई फंक्शनरीज है उनका कम से कम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर आपके पैनल के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस व्यक्ति को लेकर तो कम से कम उसको रिकॉर्ड किया जाए. फिर आफ्टर ऑल द पब्लिक इज अवेयर ऑफ द एलिजेडली ऑफेंडिंग एक्शन एंड रिमार्क्स. आफ्टर ऑल मतलब कहें कि पब्लिक भी यहाँ पर अवेयर है, अवेयर ऑफ है, अवेयर के साथ ऑफ लगता है मतलब सजग है, उनको जानकारी है. द एलिजली ऑफेंडिंग एक्शन, एलिजली तथाकथित रूप से बोलते हैं, ऑफेंडिंग एक्शंस का मतलब कि आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपने मतलब गलत कार्य किया है, आपने इल्लीगल कार्य किया है या रिमार्क्स हैं, तो जो भी ऑफेंडिंग एक्शंस और रिमार्क्स हैं उनके बारे में जानकारी पब्लिक को भी है. एंड इज़ एंटाइटल टू बी इन्फॉर्म्ड, और पब्लिक इस बात को जानने का हक रखती है. एंटाइटल टू आया, मैंने बताया था लीगल तरीके से अगर आपको कोई हक है, कोई अधिकार प्राप्त है तो उसको एंटाइटल टू बी इन्फॉर्म्ड इफ द डिसीजन वॉज नॉट यूनिनिमस. तो उनको भी इस सूचना का अधिकार है, उनको सूचित किए जाने का हक रखती है कि उनको सूचना मिले कि डिसीजन जो है वो यूनानिमस नहीं था, वो सर्वसम्मतिपूर्ण नहीं था, कि तीन लोग बैठे चुनाव आयोग में और तीनों की राय अलग अलग थी. अशोक लवासा एक तरफ थे, दो अलग थे, 2:1 के अनुपात में था. इन दिस हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन, इस बहुत बड़ी जो कड़ी प्रतिस्पर्धा वाला इलेक्शन कह दीजिए, हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन कह दीजिए, हाल में जो चुनाव हुआ है, कंटेस्टेड का मतलब लड़ा गया है चुनाव, हॉटली इसलिए कि गर्मा गर्मी यहाँ पे बहस देखने को मिली, बहुत सारे विवाद उभर कर आए. वन इन विच द लेवल ऑफ डिस्कोर्स वॉज एबिजमली लो. एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें लेवल ऑफ डिस्कोर्स जो है, जो डिस्कोर्स का मतलब कॉन्वर्सेशन होता है, यहाँ पे बातचीत का जो स्तर था वो एबिजमली लो था, एक्सट्रीमली लो था. एबिजमली लो का मतलब होता है एक्सट्रीमली लो, बहुत ही निम्नतम स्तर का रहा. द ऑनस, ऑनस का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होती है. द ऑनस ऑन द पोल पैनल, अब चुनाव आयोग पे जो जिम्मेदारी है टू मेंटेन ए लेवल प्लेइंग फील्ड, कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन किया जाए. लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सभी को एक समान तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले जीतने की, किसी का मतलब एडवांटेज किसी को ना मिले. तो जिम्मेदारी जो थी पोल पैनल की कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड को मेंटेन रखे. एंड एनफोर्स द इलेक्शन कोड वॉज क्वाइट हाई, और आचार संहिता जो इलेक्शन कोड है, चुनावी जो एक कोड है उसको एनफोर्स करे, उसको लागू करे, वो बहुत ज़्यादा हाई थी जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी. मेकिंग पीपल पब्लिक अ डिसेंट इन द फाइनल ऑर्डर वुड हैव डिपेंड द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग टू द इश्यूज इन प्ले. मेकिंग का मतलब कोई भी काम करना. मेकिंग पब्लिक अ डिसेंट इन द फाइनल ऑर्डर, अब लोग असहमत हो जाएं, लोगों के साथ आपका विचार मतलब विचारक भिन्नता आ जाए, लोग असहमति डिसएग्रीमेंट में आ जाए, मतलब अंतिम चरण में कह दीजिए. वुड हैव डीपेंड द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज इन प्ले, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का इस इश्यू में अंडरस्टैंडिंग चल रही है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग चल रही है, ठीक है ना. मेकिंग पब्लिक अ डिसेंट, पब्लिक को डिसेंट कर देना इन द फाइनल ऑर्डर, अंतिम जो चरण चल रहा है. वुड हैव डीपेंड, वो निश्चित रूप से गहरा कर जाता. डीपेंड का मतलब है गहरा कर देना. द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग, जो लोगों की समझ है ऑफ द इश्यूज, इन मुद्दों की, इन प्ले जो भी चल रहा है मुद्दे, उनमें लोगों की समझ है, उसको वो क्या कर देता, गहरा कर देता. द लॉ रिक्वायर्स द मल्टी मेंबर ईसी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस यूनैनिमसली एज फार एज पॉसिबल. अब नियम है उसमें तो ये आवश्यकता है, लॉ सिंगुलर है इसलिए रिक्वायर्स का प्रयोग है. लॉ रिक्वायर्स द मल्टी मेंबर ईसी कि जो एक से अधिक सदस्य वाला, मल्टी जहाँ लग जाता है इसका मतलब बहुत, एक से अधिक जो सदस्य वाला ईसी है, टू ट्रांजैक्ट बिजनेस यूनैनिमसली, वो यूनैनिमसली तरीके से या फिर कहें कि सर्वसम्मति से काम को अंजाम दे, एज फार एज पॉसिबल, जब तक संभव हो तब तक. एंड वेयर देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और जब भी कोई वैचारिक भिन्नता आए जो भी सदस्य वहाँ पे हैं बाय मेजोरिटी, एंड वेयर देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाय मेजोरिटी, जहाँ भी डिफरेंस आए वहाँ पे मेजोरिटी होनी चाहिए, मेजोरिटी की तरफ झुकना चाहिए पलड़ा, ठीक है. देयर फॉर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है
इफ़ decisions आर मेड by अ 2:1 ratio, कि अगर कोई डिसीजन लिया जाता है 2:1 के अनुपात में, 3 सदस्य हैं, 2 किराए अलग है, 1 किराए अलग है, तो जहाँ पे 2 किराए हैं उसी की तरफ पलड़ा झुक जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है. द apparent justification फॉर excluding एनी dissent फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर बट मेयरली recording इट इन द फाइल इज दैट द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग dissent इज लिमिटेड टू quasi judicial matters सच एज अलॉटमेंट ऑफ symbols. द apparent justification, जो भी प्रतीत हो रहा है apparent का मतलब जो सामने दिख रहा है, justification का मतलब न्याय की जो प्रक्रिया है, तो जो भी apparent justification है for excluding any dissent from the final order, कि कोई भी disagreement है उसको exclude करने का जो process है final order से, उसके जो apparent justification दिख रहा है, जो obvious justification दिख रहा है किस चीज़ के लिए, for excluding any dissent, कि कोई भी जो जिसकी राय अलग है उसको आप exclude कर दो, उसको आप बाहर निकाल दो फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर, कि जो भी आपका अंतिम आदेश है, जो भी आप अंतिम चीज़ डिसीजन के रूप में रखना चाहते हो और आपके साथ जो डिसेंट रखता है, जिसके साथ डिफरेंस ओपिनियन चल रहा है, उसको एक्सक्लूड करके आप निर्णय दे दें, फाइनल ऑर्डर दे दें. बट मेयरली रिकॉर्डिंग इट इन द फाइल, लेकिन केवल उसे फाइल में ही रिकॉर्ड करें. इज दैट द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग डिसेंट. अब ये वो चीज़ है कि अगर आपने डिसेंट को इंक्लूड किया होता, यदि शामिल किया होता, असहमति रखने वाले व्यक्ति को शामिल किया होता, इज़ लिमिटेड टू quasi judicial matters, वो केवल सीमित रह गया है quasi judicial matters में. quasi judicial matter का मतलब ये है कि ऐसे मुद्दे, quasi का मतलब होता है जो केवल और केवल apparent हो, केवल seeming हो, केवल दिखता हो, obvious ना हो, real ना हो. आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से almost और partly है, आंशिक रूप से जो judicial matters हैं, न्यायिक मुद्दे हैं, जैसे कि symbols का allotment करना है, किसी भी पार्टी को सिंबल देने हैं मान लीजिए, और उसमें 2:1 की राय में 2 अलग अलग मेंबर हैं और 1 अलग हैं, उसमें आपने ठीक फाइनल ऑर्डर दिया, लेकिन आपने जो अंतिम जो व्यक्ति, एक व्यक्ति है जिसकी राय आपसे मैच नहीं करती है, उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो इस quasi judicial matters में तो आप इंक्लूड करेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो वास्तव में जुडिशियल मैटर है वहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, ये सब कुछ दे रखा है. शुड रिकॉर्डिंग ऑफ अ डिसेंटिंग ओपिनियन, शुड यहाँ पे शुरुआत में है, इसका मतलब क्या, ऐसा करना चाहिए. तो शुड रिकॉर्डिंग ऑफ डिसेंटिंग ओपिनियन, कि कोई भी डिसेंटिंग ओपिनियन है, कोई वैचारिक भिन्नता है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है बी बेस्ड ऑन सच ए डिस्टिंक्शन, क्या वो इस आधार पर या इस अंतर के आधार पर होनी चाहिए. ए मोर अप्रोप्रिएट डिस्टिंक्शन वुड बी बिटवीन डिसीजंस दैट रिक्वायर्स रीजनिंग एब्जॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन इलेक्शन कोड वायलेशन श्योरली ऑट टू बी वन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स दैट नीड टू बी रिजॉल्व विद डिस्पैच. ए मोर अप्रोप्रिएट डिस्टिंक्शन, इससे भी अधिक उपयुक्त जो विशिष्टता होती, अंतर होता, वुड बी, वो ये होता कि वुड बी बिटवीन डिसीजंस, कि उन डिसीजंस के बीच में डिस्टिंक्शन अप्रोप्रिएट होता दैट रिक्वायर रीजनिंग, जिसमें आपको रीजनिंग की आवश्यकता है, तर्क लगाने की आवश्यकता है. एब्जोल्विंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन इलेक्शन कोड वायलेशन, एब्जोल ऑफ का मतलब होता है क्षमा कर देना. एब्जोल के साथ हमेशा ऑफ लगता है, लेकिन ऑफ वहीं लगेगा जहां पे आप किस आरोप से मुक्त करना चाहते हैं उसके लिए ऑफ लगेगा. तो प्राइम मिनिस्टर को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए माफ़ी दे देना, श्योरली ought to be one, ये मतलब एक वो चीज़ होनी चाहिए. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक के जो मुद्दे हैं दैट नीड टू बी रिजोल्व विद डिस्पैच, जो कि बहुत तुरंत फुरंत में निपटाए जाने की आवश्यकता है. विद डिस्पैच, डिस्पैच एक अलग चीज़, डिस्पैच का मतलब सेंड करना हो सकता है, लेकिन विद डिस्पैच है इसका मतलब होता है क्विकली एंड इफेक्टिवली, बहुत जल्दी से, प्रभावी तरीके से. देखिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ते हैं. मोर अप्रोप्रिएट डिस्टिंक्शन, इससे भी अधिक उपयुक्त जो डिस्टिंक्शन होता वो होता डिसीजन, वो उपयुक्त डिसीजन होता बिटवीन डिसीजंस दैट रिक्वायर रीजनिंग, वो डिसीजंस के बीच में अंतर जिसमें रीजनिंग की आवश्यकता हो, जिसमें देखो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दिया है कि इलेक्शन कोड का वायलेशन का प्रधानमंत्री को माफ़ी दे देना, एक डिसीजन तो ये हो गया. दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को जल्द से जल्द सुलझाए जाने की आवश्यकता होना, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है, वो अधिक अप्रोप्रिएट होता. इफ़ मेंबर्स हैव स्पेसिफिक रीजंस, यदि जो सदस्य हैं उनके पास विशेष कारण हैं फॉर डिसाइडिंग फॉर और अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि उन्हें किसी चीज़ के खिलाफ जाना है, किसी के पक्ष में जाना है, देयर वुड श्योरली बी नो हार्म, तो उसमें कोई हानि नहीं होगी इन स्पेलिंग आउट देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन, कि वो अपनी अपनी क्रमशः पोजिशन को एक्सप्लेन कर दे. स्पेलिंग आउट, स्पेल आउट का मतलब होता है क्लियर तरीके से समझाना, टू से और एक्सप्लेन समथिंग वेरी क्लियरली,
किसी भी चीज़ को प्रभावी तरीके से स्पष्ट रूप समझाने को बोलते हैं स्पेल आउट। अब इन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे ING फॉर्म लगी हुई है। तो कहना चाह रहा है कि इफ़ मेंबर्स हैव स्पेसिफिक रीजंस, यदि जो सदस्य हैं चुनाव आयोग में जो भी डिसेंटिंग मेंबर्स हैं उनको अगर उनके पास कारण हैं, उनके पास रीजंस हैं कि वो किसी भी चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं या किसी के पक्ष में जा रहे हैं, फोर का मतलब पक्ष में, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन किसी भी विशेष कार्य के, तो देयर वुड श्योरली बी नो हार्म। तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है कि वो अपनी अपनी पोजिशन को स्पेल आउट कर दें, समझा दें। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इनडीड, ये मतलब एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ होगी, इफ़ मिस्टर लवासा स्टेज अवे फ्रॉम मीटिंग्स, कि मिस्टर लवासा जो अशोक लवासा हैं वो उन मीटिंग से ही गायब रहें, स्टे अवे का मतलब दूर रहें। कंसर्निंग वायलेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कंसर्न का वैसे चिंतित होता है लेकिन देखिए जब नाउन के बाद कंसर्न लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, कंसर्न जो है अगर नाउन के बाद लगता है तो ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है संबंधित। अगर ये प्री पोज्ड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले लगता है, तो इसका मतलब होता है चिंतित। तो कहना चाह रहा है कि मिस्टर लवासा स्टेज अवे फ्रॉम मीटिंग्स, यदि मिस्टर लवासा मीटिंग से दूर रहते हैं, वो मीटिंग्स जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के संदर्भ में रखी गई हैं, तो फिर ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाउएवर एज ही हैज़ टेकन अप द इशू थ्रू एज मैनी एज 3 letters, लेकिन फिर भी जैसे ही जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे को उठाया है, टेकअप किया है, 3 letters के द्वारा उन्होंने मुद्दे को बताया है, इट इज़ रीजनेबल, तो ये समझने योग्य है, तार्किक है, टू इन्फर दैट, ये निष्कर्ष निकालना, इन्फर का मतलब निष्कर्ष निकालना है, दैट देयर इज़ सम बेसिस, कि कुछ ना कुछ तो है, फॉर हिज ग्रीवेंस, उनका आधार है उनकी नाराजगी का, उनकी शिकायतों का। ग्रीवेंस का मतलब नाराजगी है, ग्रीवेंस का मतलब शिकायत है। एट ए टाइम, उस समय पर, वैन द इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन इज़ बींग अंडरमाइंड, अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, वीकन कर देना, उस समय पर जब संस्थान की, ये संस्थान कौन, चुनाव आयोग की बात है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो लगातार कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर की जा रही है, बाय सस्टेन्ड क्रिटिसिज्म, किसके द्वारा, लगातार या नियमित रूप से जो आलोचना हो रही है उसके द्वारा, सस्टेन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, सस्टेन्ड का मतलब है लगातार बनाए रखना। द ईसी शुड नॉट शाई अवे का मतलब होता है बचना, अवॉइड करना, तो इलेक्शन कमीशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए फ्रॉम मेकिंग एनी पब्लिक एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन, फ्रॉम मेकिंग पब्लिक एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन, कि जो भी अंदर आपके मतभेद हैं उसको पब्लिक करने से उनको नहीं बचना चाहिए, जो भी डिफरेंस ओपिनियन बता दीजिए कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इफ़ द मेजोरिटी इन द ईसी, कि जो चुनाव आयोग में मेजोरिटी है, वर टू बी एफ्रेड ऑफ एनी पब्लिक रिएक्शन, वो मतलब जो भी मेजोरिटी है, वो चुनाव आयोग में जो मेजोरिटी है, जिस मेजोरिटी से आपने किसी भी चीज़ को पारित कर दिया है, किसी भी के पक्ष में चला गया है डिसीजन, टू बी एफ्रेड ऑफ एनी पब्लिक रिएक्शन, वो किसी सार्वजनिक प्रतिक्रिया से डरा हुआ हो, भयभीत हो, दैट में रिजल्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ स्प्लिट ओपिनियन, जो वो पब्लिक रिएक्शन जो कि हो सकता है, जो परिणाम बन सकता है, किससे, स्प्लिट ओपिनियन से, जो अलग अलग राय है, स्प्लिट का मतलब बिखेरना होता है, स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है, तो अलग अलग राय का जो डिस्क्लोजर है, रिविलेशन है, कि आपने उन रायों की भिन्नता को उजागर कर दिया, मान लीजिए पब्लिक आउटरेज हो गई, पब्लिक को गुस्सा आ गया, उससे आप डरे हुए हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये तो हमने पहला पढ़ लिया है और आज रिजल्ट आने वाला है, तो इस संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था। दूसरे की हम बात करें, आई इन द स्काई, आई इन द स्काई का मतलब है नज़रें हैं आकाश पर, तो आकाश इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एक रीसेट टू बी लॉन्च यहाँ पे किया गया है, RISAT यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसकी बात ये कर रहा है आकाश पे नज़रें कैसे हैं, ये आप समझ पाएंगे पूरा जब आर्टिकल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीसेट टू बी विल एनहांस, एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, इंडियाज़ मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़, मॉनिटरिंग का मतलब निरीक्षण करना, तो भारत की जो मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ है, भारत की जो किसी चीज़ को निरीक्षण करने की क्षमता है उसको बढ़ाएगा, फॉर सिविल एंड मिलिट्री पर्पजेज़, चाहे वो सिविल पर्पज़ हो मतलब नागरिकों के लिए हो, आम नागरिकों के लिए हो, या मिलिट्री पर्पज़ हो मतलब सेना आदि के लिए हो, तो उन सब के लिए जो भारत की निरीक्षण क्षमता है, मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ है, उसको बढ़ाएगा रीसेट टू बी। विद अ सक्सेसफुल प्री डॉन लॉन्च, प्री डॉन सुबह से पहले, डॉन का मतलब प्रातःकाल उषाकाल होता है, तो विद अ सक्सेसफुल प्री डॉन लॉन्च ऑफ रीसेट टू बी सैटेलाइट ऑन May 22, 22 मई को जो रीसेट टू बी का लॉन्च किया गया, प्री डॉन एक सक्सेसफुल लॉन्च किया गया, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है, हैज़ एडेड अनदर फैदर टू हिज कैप, एड फैदर इन हिज कैप टू हिज कैप का मतलब होता है उपलब्धि हासिल करना, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना, तो फिर ये इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल यहाँ पे कर ली है। द सैटेलाइट विल एनहांस,
ये जो उपग्रह है वो भारत की क्षमता को बढ़ाएगा, इंडियाज कैपेबिलिटी को यहाँ पे एनहांस करेगा इन क्रॉप मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, मॉनसून सत्र के दौरान, मॉनसून सीजन के दौरान जो फसलों का निरीक्षण है उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। फॉरेस्ट्री मैपिंग फॉर फॉरेस्ट फायर्स, कभी मान लीजिए फॉरेस्ट में आग लग गई तो वहाँ पे आप फॉरेस्ट्री मैपिंग भी कर सकते हो, वहाँ पे निरीक्षण, वन का निरीक्षण भी कर सकते हो। एंड डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, डीफॉरेस्टेशन का मतलब एक तो एफॉरेस्टेशन होता है, इसका मतलब तो होता है वनीकरण, डीफॉरेस्टेशन का मतलब वनों की कटाई है, उसका मॉनिटरिंग कर सकते हो। एंड फ्लड मैपिंग एज पार्ट ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, फ्लड मैपिंग भी कर सकते हो, बाढ़ के समय निरीक्षण कर सकते हो क्षेत्रों का, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का भाग है। गिवन दैट ओवरकास्ट स्काईज आर ए कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, मॉनसून सीजन में ये देखते हुए कि आकाश बादलों से ढके हुए रहते हैं, ओवरकास्ट का मतलब है बादलों से आच्छादित, बादलों से कवर्ड, ठीक है ना, गिवन दैट इसको देखते हुए, तो ओवरकास्ट स्काईज आर ए कॉन्स्टेंट, ओवरकास्ट स्काईज जो हैं वो कॉन्स्टेंट हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, मॉनसून सीजन के दौरान उसको देखते हुए। एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फ्लड और बाढ़ के समय द एबिलिटी टू पेनेट्रेट द क्लाउड कवर इज इसेंशियल, तो एक योग्यता ऐसी होनी चाहिए थी उपग्रह में जो क्लाउड कवर को पेनेट्रेट कर दे, पैनल भेद दे, क्योंकि देखिए बादलों से ढका हुआ आकाश अगर है तो उपग्रह किस प्रकार से मॉनिटर करेगा, ये समस्या थी। तो ऐसा उपग्रह जो कि क्लाउड कवर को पेनेट्रेट करे, भेद कर और उन चीज़ों को मॉनिटर कर पाए, चूँकि मॉनसून सत्र के दौरान देखिए मॉनसून सीजन जब चलता है तो बादल, लगभग बादल रहते हैं आकाश में, या फ्लड आती है, बाढ़ आती है तो भी बारिश के कारण बाढ़ आती है तो वो भी बादल ढके, बादलों से ढका हुआ रहता है आकाश, तो उस समय पेनेट्रेट करने की क्षमता जो है वो इसेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। वाइल ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग दैट रिलाइज ऑन विजिबल लाइट फॉर इमेजिंग गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाई क्लाउड्स, वाइल ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, अब ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग इसलिए भाई रिमोट सेंसिंग का मतलब यहाँ पे है कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग की दूर से ही पता लगा लेना, दैट रिलाइज ऑन विजिबल लाइट, और ये एक ऐसे प्रकार रिमोट सेंसिंग है जो कि निर्भर करती है विजिबल लाइट पर, रिलाइज ऑन का मतलब निर्भर होना होता है। फॉर इमेजिंग गेट्स, फॉर इमेजिंग तस्वीरें लेने के लिए, गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाई क्लाउड्स जो कि बादलों से बाधित होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, रिपीट कर देता हूँ, देखिए वाइल ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, जो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग है वो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग जो कि निर्भर होता है विजिबल लाइट पर, मतलब लाइट चाहिए इसके लिए ऑप्टिकल इमेज सेंसिंग के लिए, तो वो चीज़ क्या है, क्लाउड से बाधित हो जाता है जनरली, रीसेट टू विल नॉट, लेकिन ये जो उपग्रह है ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट इसमें इनको विजुअल लाइट नहीं चाहिए, विजिबल लाइट नहीं चाहिए, ये नाइट को भी आराम से तस्वीरें खींचने में सक्षम है, मच लाइक द रीसेट वन सैटेलाइट, लगभग रीसेट वन सैटेलाइट की तरह ही, दैट वॉज लॉन्च बाई इसरो इन अप्रैल 2012, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 2012 में। रीसेट टू बी विल ऑल्सो यूज माइक्रोवेव रेडिएशन, ये भी माइक्रोवेव रेडिएशन को, रेडिएशन का यूज़ करेगा, ऐसा ही यूज़ देखने को मिला था रीसेट वन में जो 2012 में लॉन्च हुआ था। अनलाइक विजिबल लाइट, अनलाइक का मतलब है इसके विपरीत, माइक्रोवेव्स हैव लॉन्गर वेव लेंथ, जो विजिबल लाइट होती है उसकी लेंथ थोड़ी कम होती है, लेकिन माइक्रोवेव जो होती हैं, जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं, उनकी वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। एंड सो विल नॉट बी ससेप्टिबल टू, ससेप्टिबल टू का मतलब क्या है, लाइकली और लाइबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाई पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ से बाधित होने की अगर संभावना है कोई चीज़ की, लाइबल है या किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होने की संभावना है, उसको बोलते हैं ससेप्टिबल, मतलब ग्रसित होने की संभावना कह सकते हो। सो विल नॉट बी ससेप्टिबल टू एटमोस्फेरिक स्कैटरिंग, इसलिए ये वातावरणीय स्कैटरिंग जो होती है उससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोवेव का ये यूज़ कर रहा है, विजिबल लाइट का यूज़ नहीं कर रहा है, तो विजिबल लाइट तो है वो, उसकी तो जो लेंथ होती है वेवलेंथ बहुत कम होती है, लेकिन उसकी बहुत लंबी होती है, इस कारण से चूँकि माइक्रोवेव लेंथ का प्रयोग करता है, ये रीसेट वन में भी देखने को मिला था, तो इसलिए ये ससेप्टिबल टू एटमोस्फेरिक स्कैटरिंग, तो एटमोस्फेरिक स्कैटरिंग जो है वातावरणीय, जो प्रकीर्णन कह सकते हो आप विज्ञान की भाषा में, उससे प्रभावित नहीं होगा। माइक्रोवेव रेडिएशन कैन दस ईजिली पास थ्रू द क्लाउड कवर, माइक्रोवेव रेडिएशन जो है, चूँकि वेवलेंथ बहुत लंबी होती है और ये एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग प्रभावित नहीं होती हैं, इस कारण से ये आसानी से गुजर सकती हैं क्लाउड कवर से। पेनेट्रेट कैसे कर पाएगा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, कि क्लाउड कवर को पेनेट्रेट कैसे कर पाएगा, कैसे उसको भेद पाएगा, तो ये आसानी से क्लाउड कवर को, हेज का मतलब होता है ओस कह सकते हो, धुंध कह सकते हो, कोहरा कह सकते हो, एंड डस्ट, डस्ट धूल, इन सब से ये
पास हो सकता है। पास थ्रू इसलिए लगाया है क्योंकि ये माध्यम है, किसी माध्यम से गुजर जाने के लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। एन इमेज द ग्राउंड, और उस मैदान की तस्वीरें ले सकता है। हैंस रीसेट टू बी सैटेलाइट विल बी एबल टू इमेज अंडर ऑलमोस्ट ऑल वेदर एनवायरमेंटल कंडीशन। इसलिए इस प्रकार से जो हमने ऊपर सीखा समझा है उससे पता लगता है कि रीसेट टू बी सैटेलाइट जो है वो सक्षम हो पाएगा, विल बी एबल सक्षम हो पाएगा टू इमेज तस्वीरें खींचने के लिए ऑलमोस्ट ऑल वेदर एनवायरमेंट कंडीशन, चाहे कोई भी मौसम की स्थिति हो, चाहे कोई भी वातावरण की स्थिति हो, सभी में ये तस्वीरें खींच पाएगा। सिंस इट डज नॉट रिलाई ऑन विजिबल लाइट फॉर इमेजिंग, चूँकि ये निर्भर नहीं करता है विजिबल लाइट पर इमेजिंग के लिए तस्वीरें खींचने के लिए। तस्वीरें खींचने इसको विजिबल लाइट नहीं चाहिए है, मतलब ये नहीं है कि केवल दिन के समय ही खींच पाएगा। इसलिए इट विल बी एबल टू इमेज द ग्राउंड ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट, तो दिन का समय हो या रात का समय हो दोनों ही स्थितियों में, बोथ के साथ एंड लगता है, ये दोनों स्थितियों के अंदर ही क्या है ये तस्वीरें खींच पाएगा ग्राउंड की। द सैटेलाइट डज नॉट हैव पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स, इस सैटेलाइट में पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स नहीं है, पैसिव का निष्क्रिय है। द डिटेक्ट द रेडिएशन नेचुरली, वो सेंसर, ये सेंसर्स क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, मतलब डिटेक्ट पता लगाते हैं द रेडिएशन, रेडिएशन का नेचुरली एमिटेड बाय द एटमॉस्फेयर, वो रेडिएशन जो कि स्वाभाविक तौर पर या प्राकृतिक तौर पर एमिट किया जाता है। एमिट का मतलब उत्सर्जित करना, बाहर निकालना एटमॉस्फेयर के द्वारा, और रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड, और फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं ग्राउंड पर, जो भी वस्तुएँ हैं उनके द्वारा फिर से इनको भेज दिया जाता है वातावरण में। वातावरण रिलीज करता है रेडिएशन, और रेडिएशन जो ऑब्जेक्ट्स हैं पृथ्वी पर, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ग्राउंड पर, वो वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए माइक्रोवेव सेंसर्स की आवश्यकता होती है। तो ये पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स इसमें नहीं है। इंस्टीड, इसकी बजाय रीसेट टू बी विल बी ट्रांसमिटिंग हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोवेव पल्सेज, इसकी बजाय क्या करेगा रीसेट टू बी जो है वो ट्रांसमिट करेगा, प्रसारित करेगा सैकड़ों माइक्रोवेव पल्सेज को, ठीक है, ईच सेकेंड, हर सेकेंड टूवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर, रिसीविंग द सिग्नल्स रिफ्लेक्टेड बाई द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रडार, और रडार का इस्तेमाल करते हुए जो भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको रिसीव कर लेगा, ये खुद ही भेजेगा माइक्रोवेव पल्सेज को हर सेकेंड ग्राउंड पर, और फिर रडार का यूज करते हुए जो ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट करेंगे सिग्नल्स को उसको प्राप्त कर लेगा। द मॉइस्चर एंड टेक्स्चर, मॉइस्चर का मतलब नमी होती है, और टेक्स्चर का मतलब फील या टच होता है, जिसको फील करके या टच करके आप पता लगा सके कोई चीज़, टेक्स्चर बोलते हैं। द मॉइस्चर एंड टेक्स्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द माइक्रोवेव सिग्नल, तो जो मॉइस्चर है और टेक्स्चर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट की नमी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फील या टच है, विल डिटरमाइन, वो सुनिश्चित करेगा द स्ट्रेंथ ऑफ द माइक्रोवेव सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल की स्ट्रेंथ को, दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड, जो कि रिफ्लेक्ट होगा ग्राउंड से। व्हाइल द स्ट्रेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड सिग्नल, जबकि जो स्ट्रेंथ हो जो होगी रिफ्लेक्टेड सिग्नल की, विल हेल्प डिटरमाइन डिफरेंट टारगेट्स, वो अलग अलग टारगेट्स को मतलब डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करेगा। हेल्प के साथ सीधा V0 लगा सकते हैं, हमने काफ़ी बार पहले भी पढ़ा है। द टाइम बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स विल हेल्प डिटरमाइन द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, जो टाइम होगा ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स के बीच, जो ट्रांसमिट करेगा सबसे पहले ये वाला ट्रांसमिट करेगा पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे उसको रिसीव करेगा, तो बीच का जो समय जो है वो हेल्प करेगा डिटरमाइन द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, कितना उस ऑब्जेक्ट से दूरी है, इस दूरी को बता देगा। द रीसेट टू टू बी सैटेलाइट्स, सैटेलाइट यूजेज एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, अपर्चर का मतलब ऐसे होल होता है, गैप होता है, ओपनिंग होता है, तो रीसेट टू बी सैटेलाइट जो है वो यूज करता है, ये सिंगुलर है इसलिए यूजेज दे रखा है, एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये आप इस नाम से याद रखें सीधा, इसके अनुवाद करने समझ में नहीं आएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इसका इन्होंने यूज किया है। द सिंथेटिक अपर्चर रडार वॉज डेवलप्ड इंडिजनसली, इंडिजनस का मतलब होता है देशी तरीके से, तो देशी टेक्निक से इसको बनाया गया है, अनलाइक द सी बैंड, सी बैंड के विपरीत, ये कौन सा है, एक्स बैंड है, सी बैंड में क्या होता है, दैट वॉज यूज बाई रीसेट वन, ये सी बैंड यूज की गई थी रीसेट वन में, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें भी हैं, ये आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द एक्स बैंड अलाउज फॉर हायर रेजोल्यूशन इमेजरी, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, रीसेट वन में सी बैंड यूज़ की गई थी, वहाँ पे थोड़ी सी जो वेवलेंथ थी बहुत लंबी थी, इसमें शॉर्टर वेवलेंथ है एक्स बैंड की, तो ये क्या करेगा, रेजोल्यूशन हाई रखेगा, जो क्वालिटी है इमेज की, फ़ोटो की, वो अच्छी रखेगा, फॉर टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल में होता है रिकग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, किसी भी दो चीज़ें हैं उनके बीच में क्या अंतर है उसको पहचानने और उसको समझने का तरीका डिस्क्रिमिनेशन होता है, वैसे भेदभाव को बोलते हैं लेकिन यहाँ भेदभाव नहीं है।
तो इससे क्या होगा, टारगेट आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी, टारगेट पहचानने में कि किस लक्ष्य को लेकर उसको फोकस करवाया गया है उसको पहचानने में, एंड डिस्क्रिमिनेशन और जो बीच का अंतर है उसको समझने में हेल्प मिलेगी। सिंस इट हैज़ हाई रेजोल्यूशन, चूंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है, द सेटेलाइट विल बी एबल टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट विद डायमेंशंस ऑफ एज लिटिल एज ए मीटर। तो चूंकि डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, मतलब रेजोल्यूशन बहुत हाई है, सेटेलाइट जो है वो सक्षम हो पाएगा या कर पाएगा डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स का पता लगा पाएगा, वो ऑब्जेक्ट्स विद डायमेंशंस ऑफ एज लिटिल एज ए मीटर, जिसका डायमेंशन केवल एक मीटर ही है, उतने छोटे से ऑब्जेक्ट को भी ये डिटेक्ट कर पाएगा। दिस कैपेसिटी टू स्टडी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये जो क्षमता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने की, एंड ऑल्सो मूवमेंट और उनकी गति को यहाँ पे स्टडी करने की, कुड बी यूजफुल फॉर सर्विलांस, ये सर्विलांस के लिए निगरानी रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो ये उपयोगी हो सकता है सर्विलांस के लिए। एज के सिवान इसरो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, ये के सिवान जो कि इसरो चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैड सेड लास्ट मंथ, ये स्पेस डिपार्टमेंट के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं ए के शिवान, इन्होंने पिछले महीने कहा था सैटेलाइट कुड बी यूज्ड फॉर सिविल एंड स्ट्रेटेजिक पर्पजेज, उन्होंने कहा था कि इस उपग्रह का इस्तेमाल आप सिविल और स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए कर पाएंगे, सिविल नागरिक उद्देश्यों की प्राप्ति के, स्ट्रेटेजिक पर्पज मतलब वही जो आर्म्ड फोर्स बताया था अभी, सेना के लिए मिलिट्री पर्पज के लिए। रीसेट टू बी विल हैव एन इंक्लाइंड ऑर्बिट ऑफ 37 डिग्रीज, इसका एक इंक्लाइंड ऑर्बिट होगा, मतलब ऑर्बिट कक्ष को बोलते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा झुका हुआ कक्ष होगा इसका, 37 डिग्री पे झुका हुआ होगा, विच विल अलाउ मोर फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशंस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि अलाउ करेगा अधिक बारंबार ऑब्जर्वेशंस को भारतीय उपमहाद्वीप पर, जो भी फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन होंगे उसको ये अलाउ करेगा। विद इसरो प्लानिंग टू लॉन्च 4 मोर सच रडार इमेजिंग सेटेलाइट्स इन अ ईयर, इसरो की प्लानिंग है कि 4 और ये उपग्रह रडार्स इमेजिंग सेटेलाइट जिससे तस्वीरें खींची जा सके, ऐसे उपग्रह यहाँ पे लॉन्च करने की प्लानिंग है। इट्स एबिलिटी टू मॉनिटर क्रॉप्स एंड फ्लड्स, तो इसकी जो एबिलिटी है मॉनिटर करने की क्रॉप्स को और फ्लड्स को, एज वेल एज एंगेज इन मिलिट्री सर्विलांस, साथ साथ में सैन्य निगरानी भी आप रख सकते हो, विल बी ग्रेटली एनहांस्ड, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अपडेशन इसमें नहीं है वो कुछ, अब जैसे रीसेट 1 था 2012 में आया, फिर 2022 रीसेट 2 ये बी आ गया, अब आगे 4 और उपग्रह हैं तो और अपडेट करके टेक्निक्स वहाँ पे आएंगे, तो ये टेक्निक्स जो है अपडेट होंगी, एनहांस होगी उसकी क्षमता। तो ये था 23rd ऑफ मे का एडिटोरियल सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू टुमारो एट शार्प 9:15, टाइम याद रखिएगा 9:15 पे सेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टे इन टच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।